नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना रनौत हमेशा ही अपनी बुलंद आवाज करते हुए नजर आई हैं। अब उन्होंने ओपन चैलेंज दे दिया है, एक ओपन चैलेंज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, एक ओपन चैलेंज मुंबई पुलिस को। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं आ रही हूँ मुंबई, जिसके बाप में दम है रोक लो। वेल दोस्तों, कंगना रनौत का ये स्टेटमेंट आते ही बौखलाहट हो गई है। जब से कंगना रनौत ने ये स्टेटमेंट किया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। आपको पढ़ाते हैं क्या कहा है कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा है, आई सी मैनी पीपल आर थ्रेटनिंग मी टू नॉट कम बैक टू मुंबई, सो आई हैव नाउ डिसाइडेड टू ट्रैवल टू मुंबई दिस कमिंग वीक ऑन 9th September। आई विल पोस्ट द टाइम वेन आई विल लैंड एट द मुंबई एयरपोर्ट। किसी के बाप में दम है, यानी कि किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक कर दिखा दे। जी हाँ, कंगना रनौत का ये ओपन चैलेंज आया है। उन्होंने संजय राउत, मुंबई पुलिस, इन लोगों को खास तौर पर इस बात के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि जिसके बाप में दम है वो मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर आकर रोक ले और 9 सितंबर को वो मुंबई पहुंच रही है। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया है और आखिरकार उन्हें मुंबई जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। वो अपने लिए सुरक्षा मांग रही थी। उन्होंने कहा था कि जब से रिया चक्रवर्ती का ड्रग एंगल सामने आया है, सुशांत मामले में जब से ड्रग एंगल की ये पूरी कहानी शुरू हुई है, तब से उन्होंने कहा है कि मैं अभी तक नेपोटिज्म पर बात कर रही थी, लेकिन ये ड्रग एंगल भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बॉलीवुड के अंदर। हर कोई यहाँ पर ड्रग एडिक्ट है। 99% बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग ड्रग एडिक्ट हैं और हर पार्टी में, हाउस पार्टी में ये ड्रग्स चलते हैं। उन्होंने कहा था कि मुंबई मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो। इस पर कुछ पॉलिटिशियंस ने उनको जवाब दिया था कि अगर मुंबई इतना ही आपको अनसेफ लग रहा है तो आप मुंबई मत आइए। बस इसी चीज़ को उन्होंने अपने दिल पर ले लिया और उन्होंने कहा कि अगर किसी के बाप के में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। मैं 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हूं, मुंबई एयरपोर्ट से टाइम भी पोस्ट करूंगी। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस मुद्दे पर लगातार बात कर रही हूं, खास तौर पर ये जो ड्रग मामला है ये काफ़ी बड़े तार इसमें जुड़ सकते हैं। और जहां तक कि कंगना रनौत ने ये स्टेटमेंट दिया है कि बॉलीवुड के बड़े नाम इस पूरे ड्रग सर्कल में शामिल हैं, ऐसे में उन्होंने अपनी सुरक्षा मांगी थी और उन्हें मुंबई सुरक्षित नहीं लग रहा था। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ने उनको, उनके सेल्फ स्टीम को काफ़ी ज़्यादा जगा दिया और वो अब इस चीज़ को ठान चुके हैं कि वो मुंबई पहुँचेंगे और हर किसी का पर्दाफाश करेंगे और उन्हें जो रोक सकता है रोक कर दिखाए। तो हम सबको भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बॉलीवुड में जो ड्रग कनेक्शन है, जो ड्रग के तार हैं, वो जल्द से जल्द खुलते हुए नजर आएंगे। और हमेशा कंगना रनौत एक बोल्ड अंदाज में नजर आती हैं, इस बार भी उनका अंदाज काफ़ी बोल्ड नहीं, सुपर बोल्ड है। और अब देखना ये होगा कि कंगना रनौत के इस अंदाज से कितने लोग घबरा जाते हैं। फिलहाल जो भी होगा हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे और लेटेस्ट अपडेट आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।